हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, मैं अमित कुमार मंदोत्री, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल राहुल कला लाइफ में। आज का ब्लॉग मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट मेमोरीज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हमारा बहुत सारा ट्रैवलिंग रहा, हम लोग राहुल कला से बांगड़ा आए और बांगड़ा से फिर हम लोग जुगीमाला आए। तो आज है 29 अगस्त 2022। हम लोग यहाँ पे गाँव में आए हैं कि मेरी बड़ी मम्मी का जिनका दशा कार्य है, जो कोई अगर चला जाता है तो उनकी आत्मा शांति के लिए कुछ पूजा किया जाता है, तो उसका अटेंड करने के लिए मैं अपनी वाइफ और अपनी बेटी को साथ में लेके आया हूँ। तो आज का ये वीडियो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरा इम्पॉर्टेंट मेमोरीज है और एक ब्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ। तो आज का इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको हमारे रिचुअल्स और सबके चीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। सो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आगे तक भी शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्लीज़ देखिए वीडियो को एंड तक। सो वेलकम टू राहुल कला लाइव। कुछ इस तरीके से आज का हमारा डे स्टार्ट हुआ। आज है 29 अगस्त 2022। अभी हम लोग हैं राहुल कला में, फिर हमारा ट्रेन है अप्रॉक्स 8:30 को ट्रेन है। तो अभी हमें यहाँ से राहुल कला रेलवे स्टेशन के लिए हम लोग निकलेंगे। मेरी बेटी सुबह सुबह उठ के बाहर ही खेल रही थी, तो आज हम लोग अभी राहुल कला से ट्रेन पकड़ के बांगड़ा जाएंगे, फिर बांगड़ा से हम लोग जाएंगे जुगीमल, जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पे सारा जो रिचुअल्स है वहीं पे हो रहा है और वहाँ पे जाके हमें अटेंड करना है। तो हम लोग रेडी हो गए थे और रेडी होने के बाद का ये वीडियोस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उसके बाद मेरा कज़न ब्रो इन लॉ देवाशीष हमें राहुल कला का रेलवे स्टेशन हमें ड्रॉप किया, फिर हम वहाँ से ट्रेन पकड़ के कि फिर आगे की जर्नी हम लोग पूरा किए बांगड़ा के लिए। तो राहुल कला से बांगड़ा का बस 1 घंटे का जर्नी था, फिर हम लोग आफ्टर 1 आवर बांगड़ा पहुँच गए। ये ट्रेन में हूँ मैं, मेरी बेटी को विंडो के साइड में रखा हूँ, उसे बहुत अच्छा लगता है आउटर व्यू देखना और वो बहुत इंजॉय भी करती है। और ये मेरी बेटी का फर्स्ट ट्रेन जर्नी था जब हम लोग राहुल कला आए, और आने के बाद हम वापस जा रहे हैं, ये सेकेंड ट्रेन जर्नी है मेरी बेटी का। तो मेरी बेटी आदिस्मिता, जिनको ऑलमोस्ट 13 मंथ्स हो चुका है, और मेरी बेटी बहुत इंजॉय कर रही है ट्रेन में विंडो साइड में। मेरी वाइफ, मेरी बेबी भी साथ में है। तो उस जब हम ट्रेन में जा रहे थे तो उस कंपार्टमेंट में और भी लोग ट्रैवल कर रहे थे, और एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी थी, और जिसके साथ मेरी बेटी भी बहुत अच्छा से इंटरेक्ट कर रही थी, दोनों एंजॉय कर रहे थे। ये वो छोटी सी बेबी है, वो भी ट्रेन में हमारे साथ ही वो जर्नी कर रहे थे। तो आज का वीडियो आपके साथ शेयर करने का मेरा एक ही मकसद है। ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट मेमोरीज़ है और इस मेमोरीज़ को इस ब्लॉग के थ्रू मैं हमेशा के लिए रख सकता हूँ, सेव करके इस मेमोरी को स्टोर करके। जब मेरी बेटी बड़ी भी होगी तो वो देखेगी कि उसका बचपन कैसा रहा, कैसा था, और वो ऐसे रिचुअल्स को भी अटेंड करने के लिए वो हमारे जर्नी का एक पार्ट थी, तो उसको देखने के लिए मिलेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने आज का ये ब्लॉग बनाया है। ये हमारा राहुल कला से बांगड़ा तक के जर्नी का ये मेमोरीज है, नहीं सॉरी, बांगड़ा से झारसुगड़ा जो हम जा रहे थे तो उस टाइम का ये मेमोरीज है। मेरी बेटी और वो छोटी सी बेबी बहुत अच्छे से वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चों का दुनिया ही ब्यूटीफुल होता है, और जैसे बोला जाता है कि बचपन हर गम से सुहाना होता है, बहुत प्यारा होता है। और इसीलिए मैं अपनी बेटी का सारा मेमोरीज़ को स्टोर करके रखने का कोशिश करता हूँ, ताकि मेरी बेटी भी बड़ी होकर उस सबको देख सके। और ये हम
जब पहुंच गए थे राउरकेला से बांबड़ा, और बांबड़ा पहुंचने के बाद फिर घर में हम और भी हमारा समय कुछ अपने सामान लेना था, कपड़ा लेना था और बाकी सारे वहाँ पे जाने के लिए कपड़ा देना होता है, तो वो सब हम लोग फिर लेके फिर आगे हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू किए। ये अभी हम लोग बामना स्टेशन पहुँच गए हैं, बामना स्टेशन से फिर हम लोग अभी अपने घर पे जाएंगे। तो आप लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे यूट्यूब चैनल राउरकेला लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस जो भी मैं आगे अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक आ सके, आप लोग वीडियो को देख सके, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे भी एक किसी पर्सन तक शेयर कीजिएगा, एक अपना सजेशन फीडबैक के थ्रू भी देना दीजिएगा। आपका सजेशन फीडबैक हमें मोटिवेट करता है और आपसे कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। अगर कुछ मिस्टेक्स होता है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको आगे उसको फॉलो करेंगे। तो मेरी बेटी को मैं अपने कंधे में बिठा रखा था और तो दिखा रहा था सब कुछ, और वो बहुत इंजॉय कर रही थी और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसीलिए मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ये वीडियोस क्लिप लेने के लिए, तो मेरी वाइफ ये शूट कर रहे हैं जिसमें मैं अपनी बेटी को लिया हूँ। फिर हम लोग बामड़ा घर जाने के बाद फिर हमारा सेम डे ही दूसरा ट्रेन लेके बामड़ा से हम लोग झारसुगुड़ा के लिए हम लोग निकल गए। ये मेरी बेटी अपनी माँ के साथ ट्रेन में है, बैठी हुई है, और फिर जब हम लोग जर्नी में जब झारसुगुड़ा पहुँचे, फिर झारसुगुड़ा से फिर लोकल हम लोग कन्वेंस हायर करके फिर हम लोग घर तक पहुँचे। तो ये बिटवीन जर्नी का मेमोरीज मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम लोग ये अभी झारसुगुड़ा पहुँचने वाले हैं, झारसुगुड़ा के एरियाज में हम आउटर एरिया में हैं, अभी स्टेशन पहुँचे नहीं है, और अभी झारसुगुड़ा को इंटर कर रहे हमारा ट्रेन कुछ ही मिनटों में झारसुगुड़ा पहुंच जाएगा। मैं ये साइट में था, कुछ वीडियोस शूट कर रहा था, तो ये है झारसुगुड़ा स्टेशन। अभी हम लोग पहुंच गए हैं और कुछ ही टाइम में हम लोग देखेंगे झारसुगुड़ा का स्टेशन। और ये बस आ ही गया झारसुगुड़ा का प्लेटफॉर्म नंबर 1 में हमारा ट्रेन आके रुका, और मैं ये आपको झारसुगुड़ा स्टेशन का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी ग्रीनरी है, और ग्रीनरी एक नेचुरल ब्यूटी इन्हेंसर है, जितना ग्रीनरी उतना अच्छा लगता है। और राउरकेला झारसुगुड़ा का रेलवे स्टेशन आप देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है और काफ़ी डेवलप हो चुका है। अभी हम लोग पहुँच गए झारसुगुड़ा, और यहाँ से फिर हम लोग लोकल कन्वेंस ऑटो हायर करके फिर आगे का जर्नी हम लोग कंप्लीट किए। अभी ये भस्मा हम लोग पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग ये घर भी आ गए। तो यहाँ पे सारा कुकिंग चल रहा है, खाना बना रहे हैं, और बेसिकली ये मेरे मामा जी। और आप लोगों को कुकिंग का कोई भी अगर इवेंट्स में आपको कुकिंग के लिए कोई कुक की रिक्वायरमेंट है तो आप मैं इनके कॉल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर शेयर कर दूंगा। और ये मैं लेट पहुंचा था, तो मैं जा रहा था नहाने के लिए, और बाकी सारा लोग वो सारा रिचुअल्स कंप्लीट करके वापस आ रहे थे। तो वहाँ जाके जहाँ सब लोग साथ में नहाते हैं वहाँ पे पूजा पाठ होता है, और आने के बाद सब लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहे हैं इडली। ये मेरी बड़ी माँ है और पीछे भी मेरी बड़ी माँ बैठी है, ये मेरे बिरेन भाई है और उसके उनके साथ में उनकी मम्मी जो मेरी बुआ लगेंगी, और ये भी जो मेरी बड़ी माँ है जो सर्व कर रही है सबको। तो अभी हम लोग जुगी माल में हैं, आज का जो दशा कार्य जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सारा पूजा पाठ तो ख़त्म हो गया था, मैं कवर नहीं कर पाया था। उसके बाद लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो सब लोग यहाँ पे अभी खाना स्टार्ट हो चुका है, लंच का पीरियड, सब लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं। तो फैमिली के बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंबर आते हैं, सब लोग अटेंड करते हैं, तो सबसे मिलना जुलना भी होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी दिन बाद वो से मिलना। ये मेरे बड़े पापा है, मेरी बेटी को साथ में जलेबी खिला रहे हैं और मेरी बेटी भी खा रही है जलेबी। तो ये सब मोमेंट और मेमोरीज बहुत प्रीशियस है लाइफ में,
तो ये ब्लॉग इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सब लोगों आज का ये मेमोरीज मैं स्टोर करके सबको रख सकता हूँ इस ब्लॉग के थ्रू, और हम आगे भी इसको देख सकते हैं, मेरी बेबी भी जब बड़े होंगे तो वो भी इसको देख सकते हैं। तो लाइफ का किसी का नहीं पता कौन है कल कौन नहीं होगा, तो ये वीडियोस और ये मेमोरीज ही है जो हमेशा के लिए स्टोर होके रहेगा। तो ये मेरे बड़े पापा हैं और मेरी वाइफ साइड में है और सब लोग हैं। तो ये ऐसे हमारा गांव का जो गांव है और हमारा जो रिचुअल्स है बहुत ही सिंपल वे में होता है। सब लोग गांव घर से आए होते हैं तो सब लोग खाना खा रहे हैं, सब लोग बाकी लोग सर्व कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, और आप लोग भी देख रहे हैं। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा। और बेसिकली ये जो मैं पूरा वॉइस ओवर दे रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि सारा का सारा इसमें हमारा गांव का ओन ट्रेडिशनल सुंदरगढ़ी लैंग्वेज है। तो अगर आपको वीडियो का भी हेलो आप वॉइस ओवर सुनेंगे तो शायद हो सकता है आपको समझ में ना आए, और दादा, मैं हिंदी ब्लॉग बनाता हूँ इस चैनल में, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में भी शेयर कर रहा हूँ। ये सब मेरे भाई के जो फ्रेंड है, इवन मेरे भी भाई है, सब लोग हेल्प करते हैं हर इवेंट में, हर रिचुअल्स में सब लोग आके सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारा थैंक यू इनके ब्यूटीफुल टीम को, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन को। हमेशा सब लोग साथ रहते हैं, ये मैं हूँ और मेरी बेटी और मेरा कज़न भाई ताराकांत, तो मेरी बेटी का चाचा, तो हम सब ये थोड़ा सा मैं इनको सूट कर रहा था कि साथ में सब लोग आके कुछ मेमोरीज को रखें। तो ये गणेश भाई है, गणेश जिसको हमारे भाषा में ददा बोलते हैं, और सब लोग लाइन में ये क्यू में खाना खा रहे हैं। ये मामा जी लगेंगे मेरे मेरे भाई के ससुर जी हैं, कज़न भाई के, जिन जिन जो मेरी बड़ी मम्मी है जिनका डेथ हुआ है उनके बेटे का है ये ससुर जी है। और बहुत सारे लोग आए थे मेरे सारे, ये जिनको हम मेरी ज्वाई बोलते हैं, मेरी बेटी के जो मेरी जो कज़न बहन के जो हस्बैंड है वो सब लोग भी सर्व कर रहे हैं। ये मंटू मेरा कज़न भाई, तो ऐसे ही हम सब साथ में हैं, और काफ़ी अच्छा से सब कुछ हुआ। और भगवान को यही बस करूँगा कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, अच्छा जगह दे, वो हमेशा खुश रहे। यहाँ पे सब, ये मेरी बड़ी माँ है जो ताराकांत है, उनकी मम्मी, ये मेरी कजन्स दीदी लगेंगे जो खा रहे हैं, उसके साथ साथ मेरी कज़न सिस्टर पुष्पा है। यहाँ पे मेरे और भी गांव के लोग हैं, यहाँ पे मेरे सारे बड़ी मम्मी सब यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो सबको मैं सर्व कर रहा था यहाँ पे, और सब लोग को आप देख ही रहे हैं। और आप लोगों के उधर कैसा रिचुअल्स होता है तो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये जो है हमारा जैसा है, आप लोगों के साथ इस आज इस ब्लॉग के थ्रू मैं शेयर कर रहा हूँ, आज का ब्लॉग आपको थोड़ा अच्छा लगे। और ये मेरी कज़न दादी जी लगेंगी और ये मेरी बड़ी मम्मी लगेंगी। तो ये मेरी बेटी को पैसा दे रहे, क्योंकि गांव में बच्चों को जब देखते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ देते हैं, ये हमारा जैसे हर गांव में घरों में रिवाज होता है। तो हम ये मेरा कज़न भाई सूर्यकांत, तो जिनकी मम्मी का डेथ हुआ था, जिनके काम में हम लोग आए हुए हैं, और हम सब लोग काम में लगे हुए थे, सबका अलग अलग काम था। इसी बीच में मैं थोड़ा थोड़ा सूट भी ले रहा था, और जो आपके साथ शेयर का, तो मैं सूर्यकांत, ताराकांत और मेरी बेटी सब लोग साथ में हैं। तो कुछ पिक्स जो लिया था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ब्लॉग के थ्रू। और ये मेरा कज़न भाई किशोर या उनकी बेटी आरोही, और ये मेरा भतीजा आनंद, तो ये बहुत स्मार्ट है और मेरी बेटी को आरोही बहुत प्यार करती है। आरोही मेरी बेटी की बड़ी दीदी है आरोही, तो सब लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। तो थोड़ा सा ये आप लोग भी देखिए सुनिए, फिर मैं आपको फिर ज्वाइन करता हूँ।
दीदी नानी देख तोर दीदी के तुम दांत बाहर ना देखो तो दांत ठीक है आंटी के दुकान में देखो दांत के चेक करो ए बगो आज चलो देख नानी येड़े देख नानी अरे देख देख ये देख दिन में कम से रात को से काई छ आज आसी छु मैं तू कबे गलु रे भगवान रे भगवान मैं गली बापा इटा काना बोर छै इटा होइबो 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 भागु भागु छै हरे नै छै मसाजा बिगुरै दै छै का गंगा दाते हां काय कहू काय रहै दै छै एता मोहा मसा मा अलगा काना उठे छुटे नागा काय कहू काय नै लागो दादा आ बेटा जो इवन कर पूरा देखना नहीं तो दीदी की टाटा कर दे बेटा मनु भट्ट के ए संध्या ये जी सो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और एंड में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल बरगद का पेड़ और अब इसे हम लोग बचपन से देख रहे हैं कितना एज हुआ होगा ये तो नहीं पता लेकिन 50 इयर्स ऑलमोस्ट प्लस हो रहा होगा और बहुत बड़ा है और इसका तना सब देख सकते हैं कितना स्ट्रांग ये निकला हुआ है और बहुत अच्छा लगता है इसके नीचे आके इसका जो पेड़ के छांव में जो रिलैक्सेशन मिलता है जो ठंडक आता है और जो पॉजिटिव एनर्जी आती है बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ पे बचपन में खेले हैं और बहुत सारा टाइम यहाँ पे हम लोग स्पेंड किए हैं तो शायद ये मैं ऐसा कहीं पे देखा नहीं हूँ इतना बड़ा और इतना तना निकला हुआ है कि पूरा एरिया इस पेड़ के थ्रू कवर हुआ है बहुत सारे लोगों को ये छांव भी देता है तो मेरा ब्लॉग तो कंप्लीट हो गया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कीजिएगा आगे भी शेयर कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच हैव अ गुड डे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे